हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैंने दर्शन दिए हैं और क्योंकि सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है, वीडियोस बन रखे हैं। अब काफ़ी भाई के मतलब आ रहे हैं मैसेज की वीडियो बनाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे। अभी 8-9 लोग एकदम से ज्वाइन हुए हैं और वैसे उनका पर्सनल मैसेज भी आया मुझे, तो वो कह रहे हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल का लिंक दो, ठीक है, हमें बताओ, हमें गाइड करो। तो बात ऐसी है कि सारे मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, ठीक है। आप उसके थंबनेल देखो, जो मतलब थंबनेल होता है जो उसका वॉलपेपर जिसको नहीं पता, ठीक है, तो उस पर देखो, उस पर सब लिखा हुआ है जो आपका इशू है उससे रिलेटेड वीडियो हर एक बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे वीडियो तो आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। रही बात डाइट की, तो डाइट में कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है, आपको हर चीज़ दही के साथ खानी है, ठीक है, और बाकी कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे वेट हो गया, वेट चखते हैं, जैसे झुक के नीचे कुछ पड़ा है तो आप एकदम से ऐसे नहीं चख सकते, क्योंकि वेंस का प्रेशर, वेंस पे ना एकदम से प्रेशर जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो वॉक है, ठीक है, डाइट में। अगर आप वॉक कर रहे हो तो वेंस जल्दी सीधी होंगी। जो गुच्छा बना होता है टेढ़ी मेढ़ी हो रखी होती हैं, ठीक है, ठीके? उनका पतन होता है, ज़िगज़ैग ज़्यादा हो रखी होती है, हार्डनेस होती है, ठीक है, तो वो चीज़ वॉक से जाएगी। जितना वॉक करोगे, जितने का मतलब अब ये बातें वही घूमती है, पर मुझे बताना इसलिए होता है क्योंकि कुछ नए होते हैं, कुछ को समझ नहीं आ रहा होता। तो वॉक आप तब करो जब आपका पेट थोड़ा खाली हो। जैसे मान लो आप सुबह उठे हो, अब सुबह बंदा उठता है तो एक आलस भरा होता है उसमें। अब जो डेली कर रहा है, जैसे मैं सुबह पहले रनिंग पे जाता था जिससे मेरे को फील हुई थी, ठीक है, तो मतलब मेरी बॉडी जैसे 5 बजे का अलार्म लगाया है तो वो 5 से पहले उठ जाती थी। अगर आप डेली की रूटीन की बात करो, जैसे आप स्कूल टाइम में देख लो, आपका 7 बजे आप उठते हो गए 6, तो उसी टाइम उठ जाती है ना। और सुबह आपको कहीं जाना है जैसे ट्रैवलिंग पे, तो आप बॉडी में मतलब मन में सोचते हो कि यार सुबह इतने बजे निकलना है, तो वो बॉडी उससे पहले ही आपको बिना अलार्म के उठा देती है। तो ऐसा ही सीन होगा, अगर आपका बॉडी मानती है तभी सुबह वॉक पे जाओ, वरना सुबह वॉक पे मत जाओ, क्योंकि आलस होता है और बॉडी पे फिर वेंस पे प्रेशर पड़ता है। क्योंकि वेंस ना रात भर एक कंफर्ट जोन में रहती है, कि मतलब सॉफ्ट रहती हैं, ठीक है। सुबह आप उठते साथ ही वॉक पे चले जाओगे तो वो थोड़ा फिर उसके लिए मतलब वेंस में स्वेलिंग आ जाती है उससे ना। और बाकी आप नॉर्मल घर के काम करो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बाधा है या कोई परेशानी है। हैंगिंग और हैवीनेस और पेन ये सब ख़त्म करो पहले। बाकी पेन है जिसको वो लेग्स ऊपर करके रेस्ट करेगा और हैवी वेट नहीं चकेगा ना, कोई मतलब मेजर मिस्टेक करेगा। मेजर मिस्टेक में आपको पता है सब कुछ क्या होता है ना। और अभी मैंने पोल डाला था तो उसमें मैंने लिखा था कि कितने मास्टरबेशन कर रहे हैं, ठीक है, और वेरिकोसिल का ग्रेड तो 3rd और 4th ग्रेड वाले ज़्यादा बंदे थे और मास्टरबेशन भी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, 70% लोग मास्टरबेशन कर रहे हैं, उसमें से 30% नहीं कर रहे। अब वो 30% भी कर रहे हैं कि नहीं, लेट के कर रहे हैं, क्या सीन है वो मुझे नहीं पता। बट जब तक ये छोड़ोगे नहीं आप, तब तक भूल जाओ कि आप वेरिकोसिल को क्योर कर सकते हैं। तो अगर हैंगिंग है आपको तो सपोर्टर पहनो, ठीक है, गीला करके पहनो। अभी थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है यहाँ, तो आपके वहाँ भी है तो देखो, वॉक का जब मन करता है आप बादल हों तब वॉक पर निकल जाओ, उससे इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगी, वेंस जल्दी सीधी होंगी। सूजन के लिए आप रेस्ट ले ही रहे हो, बस फिर ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू।